क्यों चिल्ला कर रहे तू इतनी है, क्यों मुंह फाड़ रही है? कबरी बात शेयर रख ली है। क्या हो गया? खैरी आज इसके चेहरे पे देखो, ध्यान से देखो, कुछ कान कान की तरफ देखो इसके। कुछ क्या देखो? देखो इधर कान छिदबा लिए आज। ठीक कान में इतना मैल भाई हुआ, कान छिदवाई आई। क्या बात है, शेर बच्चे ने आज काम कर लिया। शेर शेर माँ शेर माँ और शेर शेर माँ और शेर बेटी आज चले गए हिम्मत करके। और आज मैंने जिद पकड़ ली इसलिए चले गए, वरना ये वाला छिदवा थी मेरी। अब लग भी रही है थोड़ी छोरी सी, वरना है ना सूर्या, ये देख के तो लगता ही नहीं था। और भाई कैसा लगा, कैसे छीदी और कैसे मतलब दर्द हुआ? चीटी सी चल गई है। चीटी सी चली? अच्छा, अरे भाई बातन में लगा ले मैं, और घच्ची देसी ने एकदम से वो कर दे ये, और पीछे से कर रही थी दर्द होएगा यो करी तेरी मम्मी है, और तू डरा रही मतलब। अरे ऐसे कर रही, मैं यहाँ बैठ गई, यो पीछे जाके पीछे मुकर गया ऐसा कि मैं देखूं। अच्छा कर रही, दर्द होएगा दर्द होएगा, मतलब और तो छोरी और डरा रही, बताओ कि मैं देखूं मेरा जी हो जाएगा, मैं देखूं मैं देखूं। पकड़ लेती वही बैठा के इसकी भी छिदवा देती। मैं तो कह रही थी। और बाबू का गला खराब होगा, थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा, काग वाग गिर गया इसका ठंड उससे सर्द गर्मी से। मेरा भी बेटा वो काग गिरने के गले में दर्द हो जाए। तू तो छुप ही रहे दोस्तों, गलती नहीं की, ठंडा पानी पी रहे दोनों बहुत बहुत पसीने में, मना कर रहे पर फिर भी ना मान रहे। ये बात तो सही है दोस्तों, 9:30 बज रहे हैं और 43 टेम्परेचर है और बुरा हाल हो रखा है दिल्ली में तो। और जी गया तो इससे भी बुरा होएगा डेफिनेटली, क्योंकि दिल्ली में जब इतना टेम्परेचर और गर्मी है तो बाहर भी होगी भाई। क्या करें, इस बार तो ऐसा लग रहा है ऊपर, ऐसा लग रहा है इस बार ऊपर वाले ने सूरज के बिल्कुल पास रख दिए पृथ्वी के। लो बेटा ये ना सूरज, ये जी पृथ्वी, बीच में दिल्ली। हाँ ले ले बेटा, दिल्ली ना भाई सब जगह हो रही है, दिल्ली की ना सब जगह। हाँ मैं पूरे अर्थ ही तो कह रहा हूँ, पूरी अर्थ ऐसा लग रहा है सूरज के पास रख दी हो। इस देखो पसीना, इस बार तो भाई पूरा कहर सा बरस रहा गर्मी। अच्छा पहले तो क्या था, जैसे गर्मी में है ना बीच बीच में 10 दिन बाद 12 दिन बाद बारिश पड़ जा रही, जिससे थोड़ी राहत सी मिल जा रही। लेकिन इस बार जब से गर्मी पड़नी शुरू हुई है भाई साहब, एक बूंद नहीं बरसी बारिश की, ठीक है? हाँ बिल्कुल भी नहीं, दो एक दिन के लिए बादल से हो गए थे तो भाई राहत सी मिल गई। बताओ मुझे आटा इस बार इतना पतला पिस गया तुमने? हाँ, इस बार काफी पतला है, क्योंकि कल जब मैं मांड रही थी ना तब हाँ भी बहुत चिपक रहा था, मुझे लगा मेरे से ही पतला हो गया, पर मैंने इतना आटा मिला लिया फिर भी वो पतला। तो भैया मैं क्या करूँ, अब इतना पतला पिस गया तो क्या है, तुझे समझ में आ रहा मोटा गोल समझ में आता है, हर बार से मोटा गोल चिल्ला। तुझे समझ में आ रहा मोटा गोल की सखे में, तो तेरे बता दिया ना, दे रही है धाए धाए। क्या हो जाए ऐसा मोटा गोल रहे, दोस्तों उससे थोड़ा बोला नहीं जा रहा, गला उसका थोड़ा सा काग गिरा हुआ इस वजह से। भैया पहले हमारी मम्मी थी, इसकी दादी काग उठा दा करी बाल पकड़ के और ऐसे खींच देते थे तो वो उठ जाता था, तो उससे थोड़ी राहत मिल जा करी, ठीक है? लेकिन अब भाई वो कला ना मेरे पे भी नहीं आती, ना इसकी मम्मी पे आती। आता ही ना है, तुझे सीखनी चाहिए थी ना भाई, मुझे सिखाया था लेकिन मैं सीख नहीं पाया, क्यों झूठ बोलूं? तुम्हारे पापा पे भी आ गई, सही बात बता रहा हूँ, दोनों उठा दे। पापा तो गले में रस्सा डाल के उठा गए हाँ हाँ ऐसे गले में चुन्नी डाल के तब मैंने सच में प्रैक्टिस रह रहे ना, तेरा उठा के देखूं, आ जा पता है, अरे यहाँ से आ जा पता है, अरे कुछ वो थोड़ी ना होता। अरे पता है क्या, मैंने एक बार ऐसे ही ट्राई किया था अपने आप ही, ऐसा ना उड़ गया था मेरा तो, ठीक हो गया था, पर वो एक ही बार हुआ मुझे तुक्के में। क्या बना रहे हो भाई? आलू तरी। भाई दोस्तों क्या करें, कुछ खाने का मन ही ना करता गर्मी में। जल्दी कोई बात ना, तो कौन सी हमेशा बिना जली खिलावा, मतलब आलू भी जला दिए।
सूखी सब्जी जलाते थे क्यों पीछे हटे हैं क्यों तेरी करो ना ऐसी गोल इतनी बढ़िया काम करे सारी और क्या वो अलग बात 365 दिन में से 364 दिन काम बिगाड़े क्या बात है बिंदी कहाँ थी तू तो लगा गई थी बिंदी लगाई तो है अरे तेरे सामने लगा गई ना पसीना से हट गई होगी मतलब इसमें उसकी कहा बात है अब मतलब हमें जानना है नीचे गए और भाई वहां तो और गर्मी वहां थोड़ा मम्मी तुम गांव में ना मेरे को ओके का तेरे को पता है कहां कहां से निकले हम तो बाहर जाते ही ना है ना हम तो बाहर जाते ही ना लाइन तो पता ही है मेरे को ऑनलाइन तो खन्ना पता फिर मैं तुम एक रास्ते से एक बार लेके आयो मुझे सस्ते से ना मैं कह रही हूं गलत रास्ता तो ना पर मुझे सीधी लाइन हुई इस रास्ते से तुझे एक बार लेके आया हूं तेरे को दो साल ट्यूशन पढ़वाया उस रास्ते नहीं वहां नहीं ये तो मुझे वहां पीछे से लेके गई है चौपाल से